हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली नोएडा। तो हो चुका है काफ़ी लेट, क्योंकि भाई रैपिडो वगैरह जो भी हैं वो अभी आ नहीं रहे। ओला भी काफ़ी जाम लग रहा है, मतलब शाम में पटना में आजकल। वैसे भी पटना तो जाम के लिए जाना जाता है भाई, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, यहाँ से टेम्पो कर लूँगा, फिर आगे का ब्लॉग मैं दिखाता हूँ आपको। स्टेशन पहुँच के फिर जाने वाले हम लोग नोएडा, और नहीं नोएडा नहीं, दिल्ली में काम है, नोएडा नहीं जाना हम लोग को। तो हम लोग जाएंगे दिल्ली और करेंगे बहुत सारे बजे, तो चलेगा इच्छाते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी। बाल वाल कुछ कटा नहीं रखे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, अभी कटा भी नहीं था। और दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनी है, क्योंकि टाइम भाई मिला नहीं। कल पापा को दिखाने में चल गया और आज टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस से तो काफ़ी पहले निकले थे, लेकिन जाम भाई इतना है ना रोडों पे, पूछो मत। तो जो भी हम लोग जाके करेंगे दिल्ली, तो मिलते सीधा स्टेशन पे। फिलहाल मैं निकलता हूँ, क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। तो फाइनली गाइस, हम लोग ब्रॉनी को भी बाय बोल देते हैं। बाय ब्रॉनी, तेरे को नहीं पता ना अभी हम मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी दो दिन यहीं पर मैं गायब रहूँगा। बाय बाय। अरे अबे ब्रॉनी, तू कहाँ जा रहा है? इधर। बाय ब्रॉनी, नीचे चला गया। प्रणाम। ऊपर चलो चलो चलो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ जाओ ब्रॉनी, ब्रॉनी जाओ ऊपर जाओ। अरे अरे कहाँ भाई जा, रुको रुको रुको। एक नंबर से ना आगे का इस पॉइंट हम लोग यहाँ पे तेजस फाइव है ना, यही है ना, सही है, सब तो खा लिए। फाइनली गाइस, ट्रेन हो चुकी है बंद, काफी सही है भाई। कमेंट करके तो तुम ये लेने वाला बोला कि आपके चलते, तुम कुछ बोला नहीं था कि ये लगता है आपे के चलते, तो मेरे से क्या उसका मतलब है भाई? क्या यहाँ हॉस्टल में खिलाया गया खाना? नहीं पढ़ा था हॉस्टल क्या लिखा था? नहीं तो अच्छा खिलाता है, जल्दी होता। अच्छा खा लेंगे, क्या दिक्कत, खा ले, फ्रेश होना है कि खाना खाना है? खा लेंगे। बोले तो हमको ला, हो सकता है इसी कोई चीज के लिए नहीं फोन किया होगा। प्लेट तक क्या जगह मिट्टी खा रहे हैं हॉस्पिटल में, बोले लगता है कि देखिए ना जो कुछ खाता बनाने बनाने लगा चीज है, जिनका भी गड़िया इनका फोटो गड़िया का, जिनका भी गाड़ी आप अपना पार्किंग में लगाइए, उसको नहीं पता था। सुनो ना, सुनो सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, आप वही होना ही है उसके साथ। फिर क्या कहा ना कि तो ये बोले कि बाकी तो कि हमको भी यही मिला लगे। तो गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं दिल्ली। तो फिलहाल अभी मैं नोएडा में हूँ अपने भाई के फ्लैट पे, और हॉस्टल आप लोग देख लो, हॉस्टल की तरह ही होता है।
क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ हॉस्टल में, तो अभी मैं इसके हॉस्टल पे हूँ फिलहाल, अभी उसके फ्लैट पे जा रहे हैं हम लोग। फिर आज का तो दाढ़ी वाड़ी पहले बनवा लेते हैं अगर टाइम मिलता है तो, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक और जगह अभिषेक के काम से, फिर आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में क्या क्या करते हैं। फिलहाल मैंने अभी लस्सी पिया है बस, और खाने में परौठा ले लिया नाश्ते में, फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, चलो फिर चलते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग अभी फ्लैट पे, ये मेरा क्रिंज क्रिएटर नंबर 2, बॉडी बना लो बॉडी आफ्टर ऑपरेशन। और यहाँ का रूम भी वैसा ही है जैसा वहाँ मतलब वहाँ से थोड़ा अच्छा है। तो फिलहाल अभी हम लोग बना लेंगे, क्या सब में क्या बनाएंगे, चिकन जो भी मज़ा आ गया, तो मज़ा तो चिकन ही में आता है, मटन फुटन तो खाना नहीं है, तो वही बनाया जाएगा। सब कुछ जुगाड़ है गाइस यहाँ पे। फिलहाल अभी तो खा रहा हूँ मैं परौठे, पनीर वाले परौठे और अचार और मिर्च, बिहारी खाना। बिहारी खाना तो पूरी सब्जी है, लेकिन हम लोग यहाँ परौठा खा रहे हैं, क्योंकि जो मिलेगा वही खाएंगे भाई। बाकी अभी कुछ देर में आने वाला एक और मेरा गैंग मेंबर कुछ मटेरियल लेकर। अब तो अपने जैसे संपर्क में है ना, सबका अकाउंट यूज़। तो गाइस ये रहा मेरा दूसरा क्रिंज क्रिएटर, फ्रोडिया। अरे केजीजी मुझको सब फ्रोडिया बुलाता है, कुछ कुछ लोग क्रिंज क्रिएटर नहीं, मैंने नाम गलत ले लिया, इसका नाम है फ्रोडिया। कुछ टाइम पहले इसने काफी बड़ा स्कैम किया था 9 लाख का। तो अभी कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल पहले पीने का, मुर्गा लाने, मुर्गा या मुर्गी। तो गाइस चलते खाने के लिए, तो और कुछ तो है नहीं यहाँ पे करने को। तो फिलहाल यहाँ पे तेल वेल सब पड़ा हुआ है, बाकी कुछ सामान हम लोग को लेके नहीं आना, ये सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बाकी वही सब चीज लाना है। तो चलते फिलहाल अभी चल चलते, उसको दो नंबर से कटो उसका फेड कर देना, सो सारा दो नंबर से पूरा ऐसे काट दिया। तो गाइस जा रहे हैं अभी हम लोग चिकन लाने, नहीं पहले हम लोग जाके थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सही करा ले, नोएडा है, थोड़ा पानी वाली पी। चलो चपरी ब्लॉग का ग्रास हो गया थोड़ा सा, ग्रास हो गया। तो गाइस हम लोग जा रहे पहले नीचे, कहाँ कटेगा नीचे बियर्ड, गाड़ी से जा नहीं बियर्ड कहाँ बनेगा, अच्छा नीचे वो तो नीचे चल के पहले बना लेते, बनाता हूँ ना गाइस यहाँ का, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ना, मेरे पास नंबर भी है, देख क्या नंबर उसकी बहन और भी बड़े गाइस। यही अपार्टमेंट जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, इस वाले में नहीं, हम लोग इस वाले बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे, बेड वेड बनावा लेते हैं, फिर चलेंगे चिकन लाने, फिर मस्त एकदम खाना है कम मसाले में, कम मसाला क्या हर गाइस वो तो पड़ जाता है जितना दाल लगा था उतना। तो फिलहाल गाइस बियर्ड बन चुका है, लेकिन थोड़ा चूना भी लग गया है, इतना महंगा मेरे भाई का तो मेंबरशिप था लेकिन मेरा नहीं था, इतना महंगा फिर भी ऐसा करना है। मुझे लगा 150 में हो जाएगा काम, लेकिन 300 में उतना बुरा भी नहीं है, सही है, टाइम कंज्यूमिंग है। चलो एक काम 10 मिनट में हो सकता था। फिलहाल गाइस हम लोग ने ले लिया है, काफी मेहनत किया है वेज, और ये रहा मेरा चिकन, 2 kg के आसपास हम लोग ने चिकन लिया है, और जितने भी फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे रहते हैं सबको मैंने बुला लिया, निमंत्रण दे दिया, आप लोग भी आ जाइए। अगर आप लोगों को भी खाना है तो यार कमेंट डाउन करो और आ जाओ यहाँ पे, एस गॉल्फ शहर पे हम लोग हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब हम लोग बनाएंगे चिकन और मजे से खाएंगे। चल यहाँ के गार्ड वाले थोड़े भोसड़ी वाले माधरचोद, तो थोड़ा जब तक गाली ना दो ना नियम के तो माधरचोद सुधरते नहीं है,
नियम के चौथे लौड़े बहन चो आप उधर से क्या आएंगे माधव चो जान रही हो कि इतना बड़ा फ्लैट है तो गाइस ले लिया हम लोग ने चिकन, लेकिन यहाँ पे चिकन बिहार जैसा नहीं मिलता यार जैसा हम लोग वहाँ पे ले लेते हैं कि मतलब छोटा सा ले लिए भाई। यहाँ पे बहन जो चिकन दो दो के जी ढाई के जी इतना बड़ा बड़ा चिकन मिल रहा है उस टाइप का बूढ़ा चिकन मिलता है। तो आगे हम लोग चलते ऊपर फ्लैट में बनाते हैं चिकन फिर। तो गाइस अभी मैंने प्याज काटने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बाकी आप आगे देखते जाओ यहाँ पे क्या क्या होने वाला है गांड चात के। ठीक ना, ये रहे दो प्याज खुंडी हो चुके और ये जाएंगे पानी में ऐसे जमीन पे पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार बहुत प्यार है। मेरा बता रहा है ब्लॉग कैसे बनाना है जो मेरा पहली बार है जो कि खुद ब्लॉग नहीं बनाता है लेकिन तब भी ये एक्सपर्ट है ये जो मेरे को बता रहा है कि ब्लॉग कैसे बनाना है। हम कुछ करने के बाद हर चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज में, जैसे अभी ये फ्रॉडशिप में एक्सपर्ट है फ्रॉडी इसका नाम है फ्रॉडी। जैसे मैंने बोला तो ये था कि अभी मैं प्याज उठाऊंगा नहीं, लेकिन ये प्याज मैं उठा लूंगा वो बस कहने वाली बात है। ये तो यार ब्लॉग में मतलब क्या चाहते हो सबको दिखा दो, प्याज तो उसमें जाएगा ना यार साफ हो जाएगा, वैसे उबले हुए पानी में जाने के बाद वो खुद साफ हो जाएगा, आप लोग इतना चिंता मत करो ठीक ना। बाकी आगे का मैं दिखाता हूँ, अभी इसमें मिर्चा डालना है, क्या डालना है क्या नहीं, बच्चों दी जो मिले सब डाल देना है, बढ़िया होगा बहुत बढ़िया बनेगा। चिकन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को कमेंट डाउन करके बताएं। ये रहा हम लोगों का कपड़ा जो कमेंट डाउन करो पता नहीं क्या है, टी शर्ट है कि क्या है, इधर का दिखाते हैं जो कि हम लोग इसमें डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे जब अभी टाइम आएगा। बाकी यार रेसिपी क्या है, चिकन तो कैसे भी बना दो अच्छा ही होता है समझे ना। और ये हम लोग का चिकन मास्टर शेफ गौरव कुमार, ये हम लोग का धो रहा है, ये जैसी धो ले वो क्यों ऑन करना है, पर कीड़ा गिरता है वे ऑन है अभी तो क्या दिक्कत है, कीड़ा भी गिरेगा। ये हम लोग का ये क्या बोलते हैं धुआं खींचने वाला यंत्र हिंदरवेयर किचन, इसे ये ऑन है क्योंकि ये थोड़ा धुआं हम लोग का खींच देगा। अभी इसमें से कीड़ा कैसे गिरता है, अबे नहीं इस पे चिपका हुआ है यार, बंद कर दे इसको ज्यादा सही है, बाहर निकले वो ज्यादा इशू है, कोई इशू नहीं है उसको बंद ही कर दे वो ज्यादा सही है। चावल रात में क्या खाएगा, रात में नहीं खाएगा, रात में हॉस्टल चल रही है क्यों, वहां खाना मिलता है, रात में मटन बनाएंगे यार। अबे यार इधर भी है तो कीड़ा ऊपर से कहां गिरेगा,
अरे वो चिपका हुआ, कोई सुनी है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, गेड़ा बेड़ा वो थोड़े यार। जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्रॉडिया है, इसका नाम फ्रॉडिया है। 9 लाख सब्सक्राइबर है मेरे पास। 9 लाख भाई, 1 करोड़, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोग। सबको लेके नहीं कर सकते। 1 रुपया तो भाई कोई सुनिए, 1 रुपया मैं सबको देता हूँ। आप बस अपना अकाउंट नंबर या फिर फोन पे नंबर सेंड करो, मैं 100-100 रुपए सबको दे दूँ। और कुछ नहीं चाहिए आपको? बस एक कंडीशन है, वहाँ पे कमेंट्स पे 0 लाइक होने चाहिए। क्योंकि जो कि सबने चुतिया पे अभी यही कर रखा है कि 0 कमेंट, लोड़ा कमेंट। तो आप लोग भी वही करो। 100 रुपए नहीं, मैं 1000 रुपए दूंगा। और बोलो बस यही ज्यादा यार जल्दी। तो गाइस फिलहाल अभी मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और मेरा हाथ भी थोड़ा सा मतलब हल्का सा लग गया, मतलब जो कि आपको इसमें दिखेगा नहीं, बट हाथ। हाँ मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा तो सब्सक्राइब कर दो। हल्का सा रहता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लग गया, कोई इशू नहीं है। बट चिकन अच्छा हम लोग बने, बाकी आप लोग आओ पार्टी में, आप लोग खुली ऑप्शन होगा, कोई इशू नहीं है। बाकी अभी हम लोग चिकन को मतलब तलने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, चिकन फिलहाल बन गया, तो मैं फिलहाल इस पर फोकस करता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है नहीं, तो मैं इसको लगा के आप लोगों को पूरा दिखाऊँ भाई चिकन कैसे गला। वो गल जाता है भाई, उसकी टेंशन छोड़ो आप, ठीक ना? तो लग गया, इसलिए मेरे जगह मेरा असिस्टेंट अक्षय कुमार वो ध्यान दे रहा है चिकन पे, क्योंकि मेरे हाथ में यार गाइस थोड़ा सा लग गया, ये लहर रहा है। जैसे ये सही होता है नॉर्मल, फिर मैं अपने असिस्टेंट को हटा के मैं अपने पोस्ट पे आ जाऊँगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? फाइनली गाइस हम लोग की चिकन बन चुकी है, बहुत है हम लोग की चिकन, शानदार चार दिख रही है, महक तो मुझे पता नहीं लग रही क्योंकि मैंने बनाया। और बाकी ये कुकर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी सिटी बस्ती नहीं, जो मैंने ऐसी इनडायरेक्टली छोड़ दिया है। तो हम लोग अब खाने का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बस ये जैसे कंप्लीट होती है सिटी खुल जाए बस हम लोग बैठते हैं खाने के लिए। उसके बाद गाइस क्या चिकन बना है, अरे कुछ भी बना यार हम खा लेंगे, चिकन चिकन होता है, चिकन वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। करना क्या है? तो गाइस हम लोग का चिकन बन चुका है और टेस्ट बढ़िया है एकदम, एक प्लेट चावल। और ये रहा हम लोग का पहला रिव्यूअर, क्योंकि टेस्ट काफ़ी अच्छा बता रहा है, बहुत टेस्ट बढ़िया है, बहुत सही है। एक प्लेट चावल गिर चुका है धरती माता को नमन है एक प्लेट चावल इसने नीचे गिरा दिया फ्रॉडिया ने, कॉलेज फ्रॉडिया बुला रहा है कॉलेज। फिर हम ही को बोला चिकन बहुत ही टेस्टी बना हुआ, अच्छा लगता है। गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी एडवांस मॉल के पास, यहाँ का नज़ारा देख लो कितना ही सही है, ऊपर भी देख लो, नीचे आ जाइए, मतलब काफ़ी मतलब यहाँ का मॉल काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, मतलब यहाँ हरियाली की कमी नहीं है और हर वर्ग की हरियाली है यहाँ पे। अगर आप लोग को भी आना है मैं लिंक यहाँ कमेंट में दे दूँगा। कौन सा मॉल है? एडवांट आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, वो बर्बर के हरियाली है, देखो और आपको बहुत अच्छा है।